वंदे बोधमयं अनित्यं गुरु साक्षात परम ब्रह्म द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणं एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वति साक्षीभूतनं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुतं नमः सद्गुरुतं नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर यहाँ पर विराजमान सभी संत महात्माओं और कबीर आश्रम सुंदरा में जो पंथाचार्य हैं, आचार्यगण हैं, देवियाँ हैं, सबके श्री चरणों में नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, साज बिना हर राग अधूरा लगता है, साज बिना हर राग अधूरा लगता है, सिंदूर बिना सुहाग अधूरा लगता है। साज बिना हर राग अधूरा लगता है, सिंदूर बिना सुहाग अधूरा लगता है, आंखों में आंसू बिना सद्गुरु से अनुराग अधूरा लगता है, आंखों में आंसू बिना सद्गुरु से अनुराग अधूरा लगता है। जिनको सद्गुरु ना मिला, जिनको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल हो चौदी से धाय। हमारी स्थिति कैसा है, मानव तन में मानव तनधारी जीव आत्मा की स्थिति क्या है? बहुत बड़े मेला मराई है, बच्चा माँ बाप की उंगली छुड़ा करके इस जगत के मेला लगा है ना, माँ बाप की उंगली छुड़ा के देखने बैठ जाता है। और माँ बाप बच्चे को ढूंढते हैं, बच्चा माँ बाप को ढूंढता है, वही स्थिति है। ये नश्वर प्राणी पदार्थ संसार में जब हम अलग हो गए, घर से अलग हो गए, तो हमें घर कौन बताएगा? और जब हम जिस तरह से व्याकुल बच्चा व्याकुल होकर के रोता है माँ बाप से अलग होकर, मेले में भीड़ में खो जाने के बाद बच्चा जब व्याकुल होता है ना अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, वही स्थिति हम सब जीवात्मा की है। इसलिए बोलना पड़ा कि साज बिना राग अधूरा लगता है, सिंदूर बिना सुहाग अधूरा लगता है, और आंखों में आंसू बिना सतगुरु से अनुराग अधूरा। जिस तरह से बच्चा व्याकुल हो करके जब ढूंढता है, वही है। गा सकूं नगमा, गा सकूं नगमा आपका वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं नगमा आपका वो साज कहाँ से लाऊं, भा सके जो आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद तारों की तारीफ करना तो आसान है, चांद तारों की तारीफ करना तो आसान है, पर हे सतगुरु हो आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, पर हो आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। भैया सतगुरु के प्रति आप लोगों के अंदर में दो बात में छोड़ के जा रहा हूँ, समय मेरे पास नहीं, आप लोगों के पास भी नहीं है, समय का अभाव है। दो जिज्ञासा आप लोगों में मैं डाल के जा रहा हूँ, उस जिज्ञासा को शांत अगर चाहेंगे तो मेरे को सेवा करने का मौका दें। सत्य मात्र सत्य तक के सीमित नहीं रहना है, सिर्फ सत्य 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 क्या सत्य, सत्य तक सीमित नहीं रहना है, सत्य के ऊपर भी जाना है। और सत्य के ऊपर क्या है जिज्ञासा आप लोग जानना है, उसको सत्य के ऊपर क्या है? गुरु 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 तक सीमित नहीं रहना है, गुरु से भी ऊपर है, गुरु से ऊपर कौन है इसको जानना है, सत्य के ऊपर कौन है उसको जानना है। सत्य के ऊपर भी है उसके लिए भी शब्द, गुरु के ऊपर भी कोई है उसके लिए भी शब्द। तो गुरु से कैसे जुड़े, गुरु से कैसे जुड़े हम? केवल बांधा था चरणों के पखार से, केवल बांधा था चरणों के पखार से, सबरी बांधी थी वेदों की आचार से, कुब्जा बांधी थी फूलों की हार से,
मीरा बांधी थी तबूरे की तार से और द्रौपदी बांधी थी धागों की तार से, द्रौपदी बांधी थी धागों की तार से और मीरा बांधी थी तंबूरे की तार। पर हे सदगुरु, पर हे सदगुरु मैं बांधता हूँ आप, हे सदगुरु मैं बांधता हूँ आपको आंसुओं की धार से, आंसुओं की धार से। तेरे याद में, तेरे याद में रोने का जो किस्सा है, तेरे याद में रोने का जो किस्सा है वो इस उम्र का एक बेहतरीन हिस्सा है। तेरे याद में रोने का जो किस्सा है वो इस उम्र का एक बेहतरीन हिस्सा है। धन चोरी हो गया, बेटा बेटी में अलग हो गए, पद प्रतिष्ठा अलग, इसके लिए हम रोते हैं, धन संपत्ति के लिए रोते हैं, सद्गुरु के लिए कभी रोए, सद्गुरु के लिए कभी रोए, अपनी अपनी दशा पर कभी रोए नहीं रोते। तो हे सद्गुरु मैं बांधता हूँ आपको आंसुओं की धार से, तेरे याद में रोने का जो किस्सा है वो इस उम्र का एक बेहतरीन किस्सा है। याद है आबाद है, याद है आबाद है, याद बिन बर्बाद है, याद बिन सब बर्बाद। तो भैया जरा ज्यादा समय नहीं लेते हुए, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब के प्रति, सदगुरु कबीर साहब को याद करते हुए, सदगुरु कबीर साहब की याद में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ, सदगुरु कबीर साहब की याद में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित है, हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित है। जग परम सत्य का संदेश आप जग को दिए, परम सत्य का संदेश आप जग को दिए हैं, कर सका कोई नहीं वैसा आप किया, कर सका कोई नहीं वैसा आप किया है। आप मुलाजे में न करना बातें सीखी सदगुरु कभी से, आप मुलाजे में न करना बातें सीखी, कह दिए सच सच भले वो लगे तीखी। व्यक्तित्व भी आपका था ऐसा निराला, सत्य की रहनी आपकी थी अनोखी, सत्य की रहनी आपकी थी अनोखी, इसलिए कह सके आप बातें चौकी। व्यक्तित्व भी ऐसा था आपका निराला, जिस पर रीझ कर सभी ने दृष्टि डाला, केवल निर्गुणी ही नहीं वैष्णव वैरागी भी आपके सद्ज्ञान के रह दया भागी। सांप्रदायिक धुन जितने छटेंगे उतने ही निज निकट होंगे हम आपके, और जितने दिन बीते उतने ही प्यारे लगेंगे आप हम सबके। कस्तूरी कुंडल बसे आपने बताया, कस्तूरी कुंडल बसे आपने बताया, अपने में ही मस्त होना आपने सिखाया, अपने में ही मस्त होना आपने सिखाया, और जिंदगी की दौड़ आपने मेट डाली। हे सदगुरु जिंदगी की दौड़ आपने मेट डाली, किस तरह से दौड़त दौड़त दौड़िया, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ लग मन की दौड़ और दौड़ थका मन फिर भया वस्तु ठौर का था। तो हे सदगुरु जिंदगी की दौड़ आपने मेट डाली और कर दिए जीवन में शांति निराली। तो जन्म जन्मांतर की प्यास हुई तर्पित, जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर की प्यास हुई तर्पित, हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित, हे सदगुरु आपकी याद में श्रद्धा सुमन समर्पित। बोलिए सदगुरु देव की जय।